वास्तु की बात भी करें तो वास्तु कैसे कैसे इंपैक्ट करती है चीजों को, कैसे कैसे करती है, और आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। जैसे आप देखिए एरिया वाइज फर्क पड़ता है। आपको लगता है क्या होगा जी, मुंबई से भी कुछ स्टार्स तो हैं? बिल्कुल है जी, मना थोड़ी करूंगा। हर जोन का वास्तु होता है ना। अब आपका कोई जोन है जो पैसे वाला है, जैसे मैंने बताया वेस्ट का, मुंबई का, बट ऐसा तो नहीं है कि मुंबई में गरीब लोग नहीं है, ऐसा तो लोग नहीं है कि मुंबई में गरीब लोग नहीं है। आपको बताता हूँ, लगा रहा हूँ व्हाइट बोर्ड, उस पर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब आप फॉर एग्जाम्पल जस्ट समझने की कोशिश कीजिएगा कि मैं आपको बात करूं कि भाई ये सपोज मेरा कोई मैप है, एनी मैप, एक मिनट, हाँ, ये मेरा कोई भी एक मैप है, दिस इज मैप। अब इस मैप में ये नॉर्थ हो, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। अब इस जोन में भी तो अलग अलग कटे हुए हैं ना। अगर मैं पूरे वर्ल्ड की बात करूं, पूरे भारत की बात करूं, अगर यही सिर्फ मैं अगर महाराष्ट्र की बात करूं और इसकी अलग से ग्रेडिंग करूं, तो ये महाराष्ट्र का नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा, ये ईस्ट हो जाएगा, ये वेस्ट हो जाएगा। तो जो इसमें से फेम की डायरेक्शन में टॉप मोस्ट लोग हैं, वो भी तो निकलेंगे ही ना, वो भी तो फिल्म स्टार बनेंगे ही ना, इधर वाले भी तो फिल्म स्टार बनेंगे ही ना, इसलिए ये इम्पैक्ट। दूसरे एग्जांपल से समझाता हूँ, ध्यान से सुन रहे। स्लम एरियाज की बात करते हैं, हमारे देश में स्लम एरिया कहाँ कहाँ पर है और कैसे कैसे स्लम एरियाज की हम बात करते हैं। स्लम एरियाज जो हैं, तो हमारे जो स्लम एरिया की अगर मैं बात करूं, तो हमारे देश का क्या, पूरे एशिया का सबसे बड़ा स्लम है धारावी, मुंबई। जो लोग मुंबई से हैं वो समझ भी सकते हैं, बाकी लोग भी, धारावी द बिगेस्ट स्लम एरिया ऑफ एशिया। तो अब जो स्लम एरिया है, उस स्लम एरिया में क्या सारे गरीब लोग हैं? अब उस स्लम एरिया की भी तो ग्रेडिंग होगी, एक्सप्लेन करता हूं। स्लम एरिया है धारावी, और धारावी के साथ ही कोई बिल्डिंग है हीरानंदानी करके, जो सबसे बड़ी मतलब पोश एरिया माना जाता है। बट आपके धारावी में भी कुछ लोग इतने रिच होंगे जिनके पास हीरानंदानी के बिल्डिंग वाले लोगों से भी ज्यादा पैसा होगा। वो इंपैक्ट, अपसाइड इंपैक्ट, धारावी वाला भी कैन बी रिचेस्ट, कैन बी रिचर देन द अदर पर्सन हु इज लिविंग इन एरिया। बट क्या मुंबई का रिचेस्ट मैन धारावी से होगा? नो। ऐसे ही इंडिया का रिचेस्ट मैन हो सकता है, पाकिस्तान में कैसे थोड़ी है कि पैसे नहीं है किसी के पास। बट जो पाकिस्तान का रिचेस्ट मैन होगा, ही कैन नॉट बी रिचर देन इंडिया रिचेस्ट मैन, डिपेंड्स अपॉन लोकेशन, जो इतनी सारी चीजें मैंने बताई वास्तु। एक और एग्जाम्पल से बताता हूँ, जापान। उसका खैर मैं दूसरे आगे चल के बताऊंगा, जापान का एग्जाम्पल अलग से लेंगे। क्लियर हुआ भाई? धारावी का बंदा कैन बी रिचेस्ट मैन ऑफ धारावी और कैन बी रिचर देन द अदर पर्सन ऑफ मुंबई, बट कैन नॉट बी द रिचेस्ट मैन ऑफ मुंबई। मुंबई का जो रिचेस्ट मैन है ही विल नॉट स्टे एट धारावी, और जो इंडिया का रिचेस्ट मैन है ही विल नॉट स्टे एट धारावी, ये आप चेक कर लीजिए। बट रिचर रिच रिचेस्ट लोग होंगे वहां पे, रिचर लोग होंगे, दे आर मच रिच। चलो अगली बात और करते हैं, बात और। आप पंजाब हरियाणा के किसी भी स्टेट में कई जगह जाओ, आपको ऐसे ऐसे गांव मिलेंगे जहां पे फौज में जाना बड़े अपनी शान की बात समझी जाती है। पूरे पूरे गांव ऐसे मिलेंगे, मेरे डिस्ट्रिक्ट में भी ऐसे ऐसे गांव मिलेंगे जहां पूरे के पूरे बच्चे उसमें फौज में गए हुए हैं, एक एक गांव से शहीद हुए। मेरे गांव के पास ही गांव है भारत यात्रा के, वहां पे एक टाइम ऐसा था कि जब हर घर से लोग फौज में होते थे। क्या ऐसा आपको गुजरात में देखने को मिलेगा? नो। कोई एक का दुख का गांव मिल जाए तो बात है, बट हरियाणा पंजाब यूपी में भरमार ऐसे ऐसे गांवों की। चलो आपको इसको कैसे चेंज आया, जैसे मैं यही एग्जांपल दे रहा हूँ, धीरे धीरे चीजें चेंज कैसे होती है। अब मैं बात करता हूं मराठास की, महाराष्ट्र।
ये एक ऐसे जोन में आता था जहां से वॉरियर्स आ भी सकते थे और वॉरियर्स नहीं भी आ सकते थे। वो आगे चल के समझाऊंगा कैसे चीजों पे इंपैक्ट आता है, बट मैं अभी आपको एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ। इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ध्यान से सुना भाई। एक टाइम ऐसा था महाराष्ट्र में वॉरियर्स होते थे और बहुत जबरदस्त, बहुत तगड़े वॉरियर्स होते थे। बाजीराव पेशवा, मराठा, शिवाजी भोसले, ये पेशवाओं की, ये क्या कहते हैं, वॉरियर्स की धरती कहलाती थी, वॉरियर्स की धरती कहलाती थी। बट अभी आप महाराष्ट्र में जाते हो तो आपको लोग कितने स्वीट और मतलब सीधे मिलेंगे, मतलब वो इस मोड में तो नहीं रहते कि तलवार निकाल लेंगे, इस मोड में तो नहीं रहते कि तलवार निकाल लेंगे। मराठा रेजिमेंट है आज भी, मैं उस चीज की बात भी नहीं कर रहा हूँ कि बिल्कुल ही खत्म हो गए, बट फर्क पड़ गया, पहले जैसा नहीं है कि एवरीवन वाज वॉरियर। वो हर आदमी अपने पास तलवार रखता था, तलवार रखता था तो वो उसके नेचर में प्रोग्रामिंग होती थी। फिर वो तलवार शरीर से हटके घरों में पहुंच गई धीरे धीरे। अंग्रेजों का टाइम आया, फिर धीरे धीरे वो घरों से भी निकल गई, बाहर फेंक दी लोगों ने, किस लिए रखना है, तो नेचर में चेंज आ गया। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, सबसे बड़ा, दिल से सोचना। जब बच्चा रात को सपने में डरता है, कि जी बच्चा छोटा है और सपने में डरता है, तो उसके साथ क्या किया जाता है? घरेलू नुस्खे होते हैं ना दादी नानी के, कि भाई इसके पास एक चाकू रख दो। चाकू क्या होता है? हथियार। चाकू क्या होता है? मंगल। सर के नीचे तकिए के पास चाकू रख दो। फर्स्ट सर इज फर्स्ट हाउस, फर्स्ट हाउस ऑफ योर कुंडली, और फर्स्ट हाउस में मंगल का सामान रख दिया तो बंदे के अंदर करेज बढ़ जाएगी, जैसे तलवार बढ़ाती थी शरीर पे, तलवार करेज बढ़ा देगी। इसका जीता जाता जाता जागता एग्जाम्पल है सिख कौम। अब सिख कौम को कभी भी डाउन, लो कॉन्फिडेंस, डरे हुए कभी नहीं देखोगे। दे आर फुल ऑफ एनर्जी, दे आर एक्चुअल वॉरियर्स। क्यों? क्योंकि उन्होंने अभी तक अपने पास से कृपाण हटाना नहीं छोड़ा, चक्कू अपने पास रखते हैं, कृपाण हमेशा उनके पास होती है। कृपाण रहेगी तो अग्रेसिव नेचर रहेगा, कृपाण रहेगी तो कॉन्फिडेंस रहेगा। यही फर्क है एस्ट्रो का, वास्तु का, आदमी पे कैसे फर्क आता है। सरदारों के पास आप एक चीज चेक करना, एक सुआ भी रखते हैं अपने पास बाल सेट करने के लिए। सुआ क्या है? दैट इज ऑल्सो मार्स। उसको यहीं छुपा के रखते हैं कहीं पगड़ी में। वो क्या करता है? फर्स्ट हाउस में फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, डरना ही नहीं, एक्चुअल में वॉरियर्स। ठीक है, ये सरदारों से चीजें होती है। एग्जाम्पल और बताता हूँ चलो आपको। आपका वास्तु का इतना डिफरेंस आता है, इतना डिफरेंस आता है कि एक बार मैं एक फैक्ट्री में गया, वहां पे एक बंदा था, सबको बताया मैंने इंजीनियर, मैंने पूरा कॉर्पोरेट कल्चर देखा हुआ है, ये बड़ी कंपनीज के नाम नहीं लूंगा मैं, पब्लिकली वीडियो डालनी है। तो कंपनीज में क्या होता था, कंपनी में गया, वहां एक बंदे के बारे में उन्होंने बताया, और बंदे ने मुझे खुद डिस्कस किया। मैं गया किसी और काम से, तो बोला सर मैं ना एक बहुत अच्छा मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। मैंने कहा यार बड़ी अच्छी बात है, आई एम ऑल्सो एन इंजीनियर। सो हम लोग इंजीनियरिंग में भी एक बात बोलते थे, ओनली एन इंजीनियर कैन अंडरस्टैंड द मेंटेलिटी ऑफ एन इंजीनियर। प्यार सा आ जाता है, मैकेनिकल वाला वैसे था बेचारे, दुखी रहते हैं जिंदगी भर। बात हुई तो आई रियलाइज्ड, तो उसने बताया, बोला जी मेरे को ना 50 लाख के पैकेज पे लेके आए हैं, और मैं यहां पे काम नहीं कर पा रहा हूं जिस एफिशिएंसी के साथ मैं काम करता था। क्या था कि वहां पे उसका शो फ्लोर का काम था, यहां उसको प्रमोशन दे दी, शो फ्लोर पे था तो भागता रहता था। अब उसको यहां एक पोजीशन दे दी कि यू हैव टू सिट एंड सबको ऑर्गेनाइज करना है और कंट्रोल करना है, बट वो परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि जो उसकी लोकेशन है वो पूरे प्लांट के, फैक्ट्री के डिस्पोजल वेस्ट एरिया में बैठा दिया है उसको, वेस्ट एरिया में बैठा था, तो ही इज नॉट एबल टू यूज और यूटिलाइज हिज स्किल्स। अगर वो अपने स्किल्स को यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ प्रॉब्लम है जी, पोजिशन है। हमने उसकी पोजिशन चेंज करवाई, और पोजिशन चेंज करवाने के बाद उस बंदे की बल्ले बल्ले, बंदा भी खुश, फैक्ट्री के ओनर लोग भी खुश, मुझे भी काम मिल गया, मैं भी खुश, परमानेंट साल भर का पैकेज ARC। ठीक है,